दादाबाड़ी में विमल महिला मंडल ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने मूक बधिर और ब्लाइंड बच्चों के लिए एग्जीबिशन, तंबोला और फूड स्टॉल का आयोजन किया। विमल महिला मंडल के अध्यक्ष ममता सुराना ने बताया है कि लगभग 56 स्टॉल लगाए गए हैं और इस कार्यक्रम से जितना भी मुनाफा होगा वो सब बच्चों की अच्छी और सुरक्षित भविष्य के लिए उनके संस्थान को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विमल महिला मंडल में 26 सदस्य हैं। सभी सदस्य एक ही परिवार की तरह कार्य करते हैं। हम साल में कई सामाजिक कार्य करते हैं। हम लोग बाल आश्रम से लेकर वृद्ध आश्रम तक जाते हैं। ये आयोजन मुखबधिर बच्चों के लिए है, ब्लाइंड बच्चों के लिए है। बच्चे स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ आए हुए हैं, अपना लाइव परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उनको हर चीजों की बहुत जरूरत है और हम अपने मंडल से प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो जरूरतें कुछ हद तक हम पूरी कर सके। पता नहीं ये प्रयास कितना सफल होगा, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। कितने बच्चे आए हुए हैं? ये मठपुर है ना, मुखबधिर बच्चे स्कूल के बच्चे लगभग 30 बच्चे और सर आए हुए हैं। यहाँ पे एग्जीबिशन, तंबोला और फूड स्टॉल लगाया जा रहा है और तंबोला का आयोजन किया जा रहा है। तो इससे जो भी फंड हमारा आएगा हम उस बच्चों के चैरिटी के लिए यूज करेंगे। कितने सालों से इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है? इस प्रकार से हम जैसे छोटे छोटे आयोजन तो बहुत रूपों में करते थे, बट ये हमारा एक बड़ा आयोजन, ये फर्स्ट टाइम का आयोजन है हमारा कि हम इतने बड़े रूप में इसको कर रहे हैं। 99% का तो चांस है, कितनी चांस मिलनी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं हमारे मंडल के सभी मेंबर। हम लोग कम से कम 1-1.5 महीने से टिकट बेचने और ये सब का काम हम लोग कर रहे हैं, तो लगता है सक्सेस मिलेगी हम लोगों को। मेंबर है आपके महिला मंडल? राजधानी रायपुर में।